गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का वही अब नेक्स्ट पार्ट। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आएगा। आप लोगों से आशा भी करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया था वो भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे क्या होता है कि वो क्या कहते हैं आगे, जो वो एक बहुत अच्छे एक संवादक के रूप में हो गए थे, जो उन्हें रेडियो पर भी सुना जाने लगा, लोग उन्हें पसंद करने लगे। तो उस समय आगे क्या होता है आगे के देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं समय वेस्ट न करते हुए। चलिए देखिए उसमें कहा कि व्हेन इंडिया द गेन द इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947 द बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्रिएट द नेशन विद हिज सेनाई द ही पॉरिड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट और टू ऑडियंस विच इंक्लूड द पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। देखिए उसने कहा कि जब वैन विश होता, जब इंडिया गेन इट यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली, कब 15 अगस्त 1947 को भारत को जब स्वतंत्रता मिली यानी कि जब भारत हमारा आदेश आज़ाद हुआ था, उसकी वो बात कर रहे हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट। तो बिस्मिल्लाह खां हो गए थे, क्या हो गए थे हमारे प्रथम, ये हमारे प्रथम भारतीय थे। तो उसने कहा बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे। तो टू ग्रेट द नेशन, कि जिनको सेनाई के राष्ट्र का अभिनंदन किया गया। तो ग्रेट द, ग्रेट का मतलब होता है यहाँ पर हम उससे हमारा अभिनंदन से मतलब है, जिनका अभिनंदन किया गया ये ग्रेट का मतलब होता है अभिनंदन। द नेशन मतलब राष्ट्र का, विद हिज सेनाई, सेनाई के उसकी सेनाई के साथ में उसका अभिनंदन किया गया। कब किया गया था ये 15 अगस्त 1947 को, वो भारत के एक प्रथम क्या बन गए थे, उसे कहते हैं हमारे एक बिस्मिल्लाह खां के प्रथम हमारे भारतीय थे, कि जिन्हें सेनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया गया था, वो हमारे सबसे पहले थे। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं। उसने कहा ही पॉरिड, उन्होंने बखेर दिया था इस हार्ट यानी कि लोगों के हृदय में उस सेनाई की जो एक होशी उस तरह के उसको बखेर दिया था, मतलब जो भी सुनता उसको मंत्रमुग्ध हो जाता था। आउट इन द राग, उस राग को काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, उस किले में भी, रेड फोर्ट का मतलब किला, टू द ऑडियंस उन श्रोतागणों के, तो विद इंक्लूडेड उनको शामिल भी कर दिया था, जोड़ भी दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू तो फूल लेटर गेव। और उसने ये भी कहा कि वास्तव में जो उनका अभिनंदन किया गया था उन श्रोताओं के साथ काफ़ी राग में अपना उन्होंने हृदय उनके साथ उड़ेल दिया था, और श्रोतागण में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जो ये कहना चाहते हैं रेड फॉर द ऑडियंस विच इंक्लूड द पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको सुना था वहाँ पर, तो हु लेटर गेव द फेमस। और ये भी कहा कि बाद में नेहरू जी ने अपना एक ओजस्वी भाषण भी दिया था, एक फेमस का मतलब था हमारा ओजस्वी या तेज या अच्छा या प्रसिद्ध, ये सब कह सकते हैं। हु लेटर गेव द हिज फेमस ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, तो उन्होंने अपनी एक ओजस्वी भाषण भी, ट्राय विद डेस्टिनी भी दिया था। ये किसने दिया था, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वहाँ पर दिया था। तो उसमें ये बात कहना चाह रहे हैं, फिर मैं एक बार और अगेन बताऊँ कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ाद हो गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी, पर लेकिन उसके बाद भी तो उन्हें क्या था, वो बिस्मिल्लाह खां हमारे भारत के प्रथम भारतीय थे, और जिन्होंने सेना के साथ राष्ट्र का अभिनंदन भी किया, उन्होंने लाल किले के श्रोताओं के सम्मुख राग काफ़ी अपना हृदय उड़ेल दिया, और श्रोतागण में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। बाद में नेहरू जी ने अपना ओजस्वी भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी के में भी दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो उसने कहा कि बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन द मैन द मेमोरेबल द परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अबाउट हिज फर्स्ट ट्रिप अबाउट वाज अफगानिस्तान द वे द किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट द गिफ्टेड हिम द पर्शियन कारपेट्स एंड अदर द सोवरेनरीज द किंग्स ऑफ द अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक द फिल्म डायरेक्टर द विजय भट्ट वाज़ो इम्प्रेस आफ्टर द हियरिंग द बिस्मिल्लाह द प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट द कॉल्ड गुंज कुठी सेनाई द फिल्म वाज द हिट एंड वन द बिस्मिल्लाह खां द कंपेनियनशिप द दिल का खिलौना है टूट गया। ध्यान से सुनेंगे, इसने क्या कहा
एक ये जो फिल्म थी वाजा हिट हो गई थी एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खां द कंपेनियंस तो दिल का खिलौना है टूट गया द टर्न इट आउट टू बी नेट वाइड द चार्ट बस्टर डिस्पाइट द दिस हग द सक्सेस इन द सैल्यूड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खां The ventures in the film music were limited to two. Vijay Bhatt Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas Kannada The ventures Sanathi Appanna. I just can come to terms with the artificiality and glamour. ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस देखिए उसने क्या कहा पहले वर्ड नहीं देख लेते हैं द ट्रिप का मीन्स होता है यात्रा की बात कर रहा हूँ तो जर्नी उसे बोलते हैं टेकन इन द बाइक का मीन्स होता है अट्रैक्टिव और चार्म यानी कि मोहित हो गए और मेस्ट्रो का मीन्स हमारा होता है संगीतज्ञ आश्चर्य और इसका मीन्स हमारा जो सोवेनियर्स होता है सोवेनियर्स का मीन्स होता है हमारा थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और द इवेंट्स स्मृति ये सब बोलते हैं स्मृति चिन्ह कह लो या स्मारिका कह लो और चार्ट बस्टर मीन्स होता है हमारा रिकॉर्ड ब्रेकर यानी कीर्तिमान तोड़ने वाली और डिस्पाइट का मीन्स होता है कि इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ के बावजूद या इसके बावजूद और सेलुलॉइड मीन्स होता है हमारा सेलुलॉइड के मीन्स होता है क्या है हमारा ये है ऑल द फैसिनेट वे ऑफ रिफॉर्मिंग द फिल्म इसे बोलता है फिल्मी दुनिया बोलते हैं इसे सेल्यूलॉइड का मीन्स होता है फिल्मी दुनिया और वेंचर्स का मीन्स होता है द साहसिक कार्य या प्रोजेक्ट दैट ओपन द इन्वॉल्व्स अ रिस्क कम टू द टर्म्स होता है हमारा कम्प्रोमाइज समझौता करना सुलह करना और आर्टिफिशियलिटी मीन्स होता है हमारा बनावट जिसे हम लोग बोलते हैं अननेचुरल थिंग्स जो होती है हम लोग बोलते हैं बनावट तो देखिए क्या होता है फिर आगे तो बिस्मिल्ला खां तो क्या करते हैं बिस्मिल्ला खां हैज गिवन द मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस तो बिस्मिल्ला खां ने भारत में और विदेश में दोनों की बात करें तो बिस्मिल्ला खां हैज गिवन मैनी मेमोरेबल तो बिस्मिल्ला खां ने दिए हैं अनेकों मेमोरेबल यानी कि एक बहुत सारे स्मरणीय परफॉर्मेंस प्रदर्शन बहुत मतलब दोनों इन इंडिया एंड अबाउट यानी कि देश में भारत में भी और विदेशों में भी तो कैसा कहना चाह रहे हैं बिस्मिल्ला खां ने भारत और विदेश में बहुत से स्मरणीय प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं मतलब भारत में भी और विदेशों में भी जाकर के उन्होंने अपने प्रदर्शन किए हैं और हिज फर्स्ट ट्रिप उनकी जो पहली यात्रा थी अबाउट जो विदेश की थी वाज अफगानिस्तान उनकी जो पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी जहाँ पर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन उनको लिया गया था इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम द पर्सिल्स और पर्सन कारपेट्स एंड अदर सोवेनर्स का मैंने आपको बताया था इसका होता है स्मृति चिन्ह देना तो वहाँ पर जहाँ पर अफगानिस्तान में जब वहाँ यात्रा के लिए गए थे तो वहाँ पर एक राजा थे किंग जाहिर शाह तो उन्होंने क्या किया था उसे दिया था टेकन इन द बाय द मेस्ट्रो तो उन्होंने क्या किया था मेस्ट्रो का मतलब एक संगीत आचार्य है आचार्य के द्वारा उनको दिया गया था कि गुप्त दिया गया था कि इनाम दिया गया था जिनको क्या दिया गया था कि वहाँ पर बादशाह जहीर शाह संगीत इतने मोहित हो गए थे उसको संगीत को सुन करके तो उन्होंने क्या किया था उनको बेस कीमती एक फारसी गलीचा दिया था एक गिफ्टेड हिप द पार्सिकल्स द पर्शियन कारपेट उनको एक बेस कीमती फारसी गलीचा दिया था और अदर्स सॉवरेन और उन्होंने क्या करते सॉवरेन का मीन्स होता है स्मृति चिन्ह भी दिए थे द किंग ऑफ द अफगानिस्तान राजा अफगानिस्तान के राजा वाज नॉट ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूजिक देखिए बिस्मिल्ला जो हम बात कर रहे हैं द किंग राजा जो अफगानिस्तान के जो राजा थे वही न केवल इससे मतलब एक बहुत ज़्यादा उत्साहित थे या बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगने लगा था या मोहित हो गए थे लेकिन उसके अलावा भी बिस्मिल्ला खां के म्यूजिक से जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी उनसे एक्साइटेड हो गए थे मतलब उत्तेजित हो गए थे उन्हें बहुत सुंदर लगने लगा था तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए थे मतलब तो फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट भी वो भी
उनके उस संगीत से वो भी कैसे हो गए थे, मन मुक्त हो गए थे। तो उससे इसलिए इम्प्रेस्ड, उनसे इम्प्रेस्ड हो गए थे, वो उनसे खुश हो गए थे आफ्टर हियरिंग द बिस्मिल्ला प्ले और बिस्मिल्ला की उस सहनाई को सुन करके एट द फेस्टिवल उस त्यौहार पर दैट हर नेम फिल्म। तो एक उसका उन्होंने नाम रखा है फिल्म का आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट के। सो उसको पुकारा गया था क्या, गूंज उठी सहनाई, तो उसने फिल्म का इनाम रखा था। तो द फिल्म वाज हिट, और वो फिल्म जो थी वो क्या थी, वो हिट हो गई थी। तो एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खास कंपेनियंस, अब जो एक जो बिस्मिल्ला खा की जो कंपेनियन थी, देखिए यहाँ पर मीनिंग कर दिया है, तो कंपेनियन जो थी उसकी, उसका यहाँ पर हम कहते हैं जो रचना की गई, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना की गई थी, वो था दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो वास्तव में जो बिस्मिल्ला खा की जो एक रचना थी वो था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न इट आउट टू नेटिव वाइड्स की बात कर रहे हैं या नेशन वाइड की बात कर रहे हैं, चार्ट बस्ट की बात कर रहे हैं। नेटिव वाइड का मीन्स हमारा, देखिए उसने कहा कि उसका नेटिव वाइड, उसने बात कर रहा है कि टर्न आउट चार्ट डिस्पाइट, इसके बावजूद भी हर सक्सेस के बावजूद भी, बड़ी सफलता के बावजूद भी इन द सैल्यूट वर्ल्ड, उस सैल्यूट वर्ल्ड, सैल्यूट का मीन्स होता है हमारा उस फिल्मी दुनिया में, और फिल्मी दुनिया में तो बिस्मिल्ला खा वेंचर को उसके साहसिक उन कार्यों से, तो इन द फिल्म म्यूजिक, तो फिल्म म्यूजिक भी क्या होता है वह लिमिटेड हो गए थे टू, केवल उसने उन्हें केवल लिमिटेड ही किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, केवल दो ही उन्होंने फिल्में की थी। और तो विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, तो एक था उन्होंने विजय भट्ट जो थे उन्होंने गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, उनके जो साहसिककार हो गए जैसे सनादी पन्ना, तो ये थे उसके साहसिक जो कार्य थे। उसने कहा आई जस्ट कैम कैन नॉट कम टू टर्म्स, तो उसने कहा कि आई जस्ट कैन नॉट, क्योंकि मैं उनके ऐसी टर्म को नहीं कर सकता था, उनके जो भी टर्म्स थी उनकी दशाएं जो थी विद द आर्टिफिशलिटीज, जो भी उनकी आर्टिफिशलिटीज थी, आर्टिफिशलिटी में हमारा होता है जो भी उनकी बनावटी एंड ग्लैमर, ग्लैमर की वो बात कर रहा, तो ग्लैमर ऑफ द फिल्म, तो ग्लैमर हमारा, ग्लैमर से हमारा मीनिंग है कि जो बहुत अच्छा होता है। तो उसने कहा तो फिल्म वर्ल्ड, इस फिल्मी दुनिया में, उसने कहा मैं फिल्मी दुनिया की बनावट में और चकाचौंध, ये ग्लैमर का मतलब चकाचौंध की बात कर रहा, चकाचौंध सॉरी तो उसने कहा सी सेज, वो कहते हैं दैट के एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मीनिंग हमारा होता है जोरदार से, यानी कि उस मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो सका, तो मना कर रहे हैं कि मैं उस फिल्मी दुनिया में उसमें मैं शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उसके चकाचौंध के इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसमें शामिल ना हो सका, बस मैंने केवल उसमें दो ही फिल्में की, वो ऐसा बता रहे हैं। देखिए वास्तव में वो एक उस फिल्मी दुनिया में एक विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्ला खा का साहसिक कार्य फिल्म संगीत में केवल दो फिल्मों तक ही सीमित था, मतलब उन्होंने केवल दो ही फिल्में बनाई, और विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म, देखिए कन्नड़ है ये, कन्नड़ फिल्म है। तो उसने कहा जो सनादी अपन्ना, ये उनकी कन्नड़ फिल्म थी, जो बिस्मिल्ला जोरदार ढंग से कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल ना हो सका। तो वास्तव में वो ऐसी उस फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने केवल दो ही फिल्में की थी। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आशा करते हैं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।